श्री भगवंत मान जी ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पे एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। पंजाब में अब अगर कोई भी ऑफिसर, कोई भी व्यक्ति आपसे रिश्वत मांगे काम कराने के लिए, आप सरकारी दफ्तर में अपना राशन कार्ड बनवाने जाते हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो, बिजली का कनेक्शन लेने जाते हो, कुछ भी काम कराने जाते हो, हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बिना रिश्वत के काम कराना कितना मुश्किल है। पर अब पंजाब के अंदर अगर आप काम कराने जाओ और कोई आपसे रिश्वत मांगे, मना मत करना। जेब में हाथ डालना, फ़ोन निकाल लेना, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा देना, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी चलेगी, और उस रिकॉर्डिंग को आप उस नंबर पे भेज देना जिस नंबर को 23 मार्च को भगवंत मान जी जो नंबर रिलीज़ करेंगे, वो उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा, उस नंबर पे आप उनको वीडियो भेज देना, ऑडियो भेज देना उस ऑफिसर की, और आपको यकीन दिलाते हैं कि उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आज पंजाब के सीएम भगवंत मान जी ने ऐलान किया है। दिल्ली में जब हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी, आपको याद होगा कि इसी तरह का हमने ऐलान किया था, मैंने एक नंबर जारी किया था, लोगों ने अपने व्हाट्सएप उस नंबर पे खूब अपने वीडियोस भेजे, ऑडियोस भेजे। 49 दिन के अंदर लगभग 30-32 ऑफिसर्स को सज़ा दिलवाई थी, उनको जेल भेजा गया था, सख्त एक्शन लिया गया था। 49 दिन में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ था, दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई कहीं जाता था, आपका फोन, एक आम आदमी का फोन उसके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया था एम्पावरमेंट का। किसी दफ्तर में कोई आदमी जाता था और कोई ऑफिसर रिश्वत मांगता था, वो सिटीजन कहता था, बंदा कहता था, फोन निकालूं, रिकॉर्डिंग करूं तेरी, और ऑफिसर जो है चुपचाप उसका काम कर देता था बिना किसी झिझक उसके। लोगों के लिए उसका फोन, उनका फोन बहुत बड़ा हथियार बन गया था। जब दोबारा हमारी सरकार बनी और हमने इसको लागू करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर जारी करके दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली हमसे, ताकि हम इसको लागू ना कर पाए। दिल्ली में तो हमने फिर भी भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमसे हमारी एंटी करप्शन ब्रांच क्यों छीनी गई? आज 75 साल हो गए आजादी के, 75 साल कम नहीं होते किसी देश के इतिहास में, 75 साल बहुत होते हैं। आज 75 साल भी जब बाद भी एक आम आदमी किसी भी दफ्तर में अपना काम कराने के लिए जाता है, उससे पैसे मांगे जाते हैं, बिना पैसे के काम नहीं किया जाता, उसकी बेइज्जती की जाती है। क्यों? क्योंकि इन सारी पार्टियों की सरकारों ने मिलकर करप्शन किया है। आप क्या सोचते हैं कि जब आप राशन कार्ड बनवाने जाते हैं किसी दफ्तर में और आपसे पैसे मांगे जाते हैं, उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा वो क्लर्क रखता है, बाकी पैसा ऊपर तक चलते 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 मंत्री और मुख्यमंत्री तक जाता है, ऊपर तक जाता है सारा पैसा। जिस भी विभाग में पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो पैसा ऊपर तक जाता है, लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा लिया जाता है। तो जो सरकारें, जिन सरकारों में, जिन पार्टियों की सरकारों में मंत्री मुख्यमंत्री पैसा खाते हैं, वहां तो आपको एक आम आदमी को रिश्वत तो देनी पड़ेगी। केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है। भारत के इतिहास में आजादी के बाद केवल पहली ईमानदार सरकारें बनी है दिल्ली और पंजाब में, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसमें हिम्मत है कि अगर कोई रिश्वत मांगे रिकॉर्डिंग कर देना, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि केजरीवाल पैसा नहीं खाता, मेरे मंत्री पैसा नहीं खाते, भगवंत मान पैसा नहीं खाता, भगवंत मान के मंत्री पैसा नहीं खाते। हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। हमें हफ्ता नहीं चाहिए, हमें महीना नहीं चाहिए, सब डिपार्टमेंट से हमने महीना नहीं बांध रखा, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए आए हैं। तो आज का ये ऐलान भगवंत मान जी का बहुत बड़ा ऐलान है। जैसे दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, पंजाब से भी अब भ्रष्टाचार खत्म होगा। पंजाब के लोग सुकून की सांस लेंगे, पंजाब के लोग भी फोन निकाल के अफसर को कहेंगे, फोन निकालूं,
मेरा काम करता है कि नहीं करता। 99% केसेस में तो वैसे ही काम हो जाएगा, किसी को रिकॉर्डिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऑफिसर्स ईमानदार होते हैं, कुछ चंद मछलियाँ हैं जो सारे तालाब को गंदा करती हैं। मैं सारे ऑफिसर्स से भी पंजाब सरकार के निवेदन करूँगा कि आप सब लोग ईमानदारी से काम करें। बहुत बड़ा इनकलाब लोग लेके आए हैं, बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, सबकी उम्मीदों को हमें मिलके पूरा करना है और पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है। एक दिन पंजाब से, दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, हमने ये दिखा दिया कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है, हमने ये भी दिखा दिया कि भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है अगर जनता खड़ी होके इनकलाब लेके आए, जैसे दिल्ली और पंजाब की जनता ने इनकलाब किया। नमस्कार।